वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम करेंगे क्लास 11 के हिंदी का चैप्टर 2 मियां नसीरुद्दीन। इस पार्ट में उन्होंने मियां नसीरुद्दीन जो कि एक खानदानी नानबाई है यानी रोटी पकाने वाले हैं, उनका सजीव मनोरंजक रेखा चित्र बनाया है। मियां नसीरुद्दीन मटिया महल के गड़ैये मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर कृष्णा सोपती जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो मियां नसीरुद्दीन का एक इंटरव्यू लेते हैं जो वह पत्रकार की हैसियत से लेती है। इस कहानी में मियां नसीरुद्दीन एक खानदानी नानबाई है। खानदानी नानबाई का तात्पर्य ये है कि उनके पिताजी और उनके दादाजी भी यही कार्य करते थे, उनका यही पेशा था खानदानी, इसलिए उन्हें खानदानी नानबाई बताया गया है। मियां नसीरुद्दीन को 56 प्रकार की रोटियां पकानी आती थी। उन रोटियों में जो प्रकार थे रोटियों के, उनमें तुनकी, रुमाली आदि ऐसी रोटियां थी जो आज के बहुत सारे लोगों को पकानी नहीं आती है और वे कई और प्रकार की रोटियों का नाम भी लेखिका को बताते हैं। मियां नसीरुद्दीन अपनी कला के माहिर थे और अपनी कला में उस्ताद थे। उन्होंने ये कला अपने पिताजी से सीखी थी। उनके पिताजी उनके गुरु भी हुआ करते थे। इनके बातों से आत्मविश्वास और फक्करपन नजर आता है। साथ ही वह पत्रकारों को भी अच्छा नहीं मानते थे। मियां नानबाइयों का मसीहा है। नानबाइयों का मसीहा क्यों है? क्योंकि उन्हें हर एक प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर प्राप्त हुआ है और यह हुनर उन्होंने अपनी निरंतर कला साधना से सीखा है। पहले उन्होंने छोटे मोटे काम करने सीखे, तब उन्हें नानबाई का ये जो पेशा है वह अपना उसमें माहिर हुए। बादशाह का प्रसंग आता है। मियां अपनी बातें बताने लग जाते हैं किस प्रकार से उनके पिताजी और दादाजी बादशाह सहमत के लिए रोटियां पकाया करते थे और वो कहते हैं कि हमारे दादा ने बादशाह सहमत को ऐसे चीजें बना के खिलाई जो आग में ना पके और पानी से भी ना बने। इस प्रकार से वे अपनी कुशलता का परिचय देते हैं कि किस प्रकार से उनके पिताजी और उनके दादाजी खानदानी नानबाई हुआ करते थे बादशाह सलामत के। साथ ही वे पत्रकारों को निठल्ला समझते हैं और वे यहाँ तक कि अखबार पढ़ने वाले लोगों को भी निठल्ला मानते हैं। वे बताते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटियां बना सकता है। उनके भीतर खानदानी बड़प्पन की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और वह अपने हर वाक्य में लगभग अपना बड़प्पन और अपनी कलाकारी और अपने खानदानीपन की बात करते रहते हैं। लेखिका कहती है हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के, यानी कि यह पाठ में हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के का मतलब है दिल्ली में अनेक प्रतिभाशाली लोगों की भीड़ रहती है, उससे अलग होकर उन लोगों की चकाचौंध से अलग होकर वे मियां जैसे व्यक्ति से मिलते हैं और इस प्रकार से उनका इंटरव्यू लेते हैं। ये इस पार्ट में बताया है। मियां का स्वभाव जो था वो तुनक भरा था और बाद में वो तुनक करके बात करते थे, आंखें टरेक कर बात करते हैं। उनका रहन सहन और भारी स्वरूप जो है वो बहुत ही साधारण और सामान्य है। उनकी वेशभूषा आदि भी बहुत सामान्य है। उनकी वेशभूषा देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई महान व्यक्ति है। उनकी दुकान भी बहुत मामूली थी। दुकान में अंधेरा छाया हुआ था और वह चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे थे। जब लेखिका उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं और साथ ही उनके बुढ़ापे वाले चेहरे पर अनुभवों की मार के निशान भी थे, यानी कि वो अनुभवी थे, ये उनके चेहरे से लेखिका को स्पष्ट नजर आ रहा था। तो उन्हें मियां नसीरुद्दीन मिलते हैं जो अपनी सच्ची तालीम के बारे में उन्हें बताते हैं। तो मियां नसीरुद्दीन सच्ची तालीम अपने अनुभव को मानते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि उनका ये पेशा है वो खानदानी पेशा है और उन्होंने ये रोटियां पकाने का हुनर अपने पिता से सीखा था। उनके पिताजी उनके गुरु थे। पिताजी ने उन्हें भट्टी चलाना, आटा गूंदना, खोमचा लगाना सिखाया था। उनके पिता और उनके दादाजी दोनों शाही नानबाई हुआ करते थे। नसीरुद्दीन की नजरों में सच्ची तालीम क्या है? नसीरुद्दीन की नजरों में सच्ची तालीम है व्यवहारिक अनुभव। व्यवहारिक अनुभव क्या है? कहते हैं कि जब हम छोटे छोटे काम से सीखेंगे, बर्तन मांजना, भट्टी जलाना और आटा गूंदना आदि और काम करना जो छोटे छोटे काम है, सीधा आप नानबाई नहीं बन सकते, तो इस प्रकार का व्यवहारिक अनुभव वो अवश्य मांगते हैं।
उनके अनुसार तालीम को अपनाना महत्वपूर्ण है। जो आपने सीखा है उसे अपनाना पड़ेगा, तभी आप अपनी पुश्तैनी कला में महारत हासिल कर सकते हो। यानी आपकी खानदानी पुश्तैनी, यानी जो पुश्तों से चली आ रही है, वर्षों से हमारे पुरखों ने जो काम किया है उस कला में महारत हासिल कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कठोर श्रम और निरंतर अभ्यास के द्वारा। मियां नसीरुद्दीन बताते, उनकी बातों से हमें ये पता चला है कि सच्ची तालीम हमारे कार्य उसका निरंतर अभ्यास करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। तभी कोई व्यक्ति अपनी जो खानदानी, जो उसका हुनर है, वो सीख सकता है। इस चित्र में उनके वाक्पटुता, इस वाक्य में आप देखे, हमारे दादा ने बादशाह सलामत को ऐसी चीज बना के खिलाई जो आग में ना पके और पानी से ना बने, इसमें उसका क्या नजर आ रहा है? उनके वाक्पटुता के साथ साथ उनके पुरखों की तारीफ और अपने बड़प्पन के साथ साथ वो हर समय अपने हुनर और मेहनत जो उन्होंने की है उसका बखान करते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार से लेखिका ने हजारों हजार धूम धड़के मसीहों के धूम धड़क यानी कि दिल्ली में बहुत सारे कलाकारों की भीड़ बीच में यह नसीरुद्दीन का ये लेखा चित्र बहुत ही सजीव और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया है। तो ये था हमारा 11th क्लास का चैप्टर 2, मियां नसीरुद्दीन। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।